प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। बीयर की केन में दे रहे पेट्रोल, आगरा के पंप पर कर्मचारी दे रहे बोतलों में पेट्रोल, प्रशासन ने लिया संज्ञान। गोरखपुर में मासूम को चबूतरे पर पटक कर मार डाला, बाथरूम के दरवाजा ना खोलने पर चचेरी बहन से हुआ था विवाद। गोंडा में छुट्टा मवेशियों के आतंक से किसान परेशान, शहर में सड़कों पर घूम रहे पशु, जिम्मेदार मौन। बदायूं में चोरों ने प्रोफेसर का घर खंगाला, ताले तोड़कर भीतर दाखिल हुए, 47,000 कैश समेत जेवरात हुए फरार। सरकारी स्कूल में बच्चों से गोबर साफ करवाने का वीडियो वायरल, स्कूल के पास नहीं है सफाई के लिए स्टाफ। वाराणसी में गंगा में डूबने से काशी के शमशान, 5,000 क्विंटल लकड़ी बर्बाद, गलियों में हो रहे दाह संस्कार। सोमवार को नोएडा आएंगे मंत्री नंद गोपाल नंदी, जिला स्तर की समीक्षा बैठक करेंगे, गौशाला स्कूल और गांवों का करेंगे निरीक्षण। चंबल की सरगना सरला 17 साल बाद जेल से रिहा, 6 किसानों का किया था सामूहिक अपहरण, ब्रांडेड कपड़ों चश्मों का था शौक। अलीगढ़ में गर्भवती महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मदद, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवतियों को दी जा रही चिन्हित। बदायूं की जामा मस्जिद नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा, वादी की याचिका पर सिविल कोर्ट के जज ने दायर की याचिका। कोल्ड ड्रिंक एजेंसी पर लूट की सूचना निकली झूठी, फायरिंग कर 45,000 लूटने का मचाया था हल्ला, सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला। पत्नी ने 76 साल के पति को काट डाला, अम्बेडकर नगर में रिटायर्ड टीचर बहू को पेंशन देता था, बीवी ने जान देकर खुद जहर खाया। औरैया में अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरा ट्रैक्टर, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, नया ट्रैक्टर खरीद कर ला रहे थे घर। गोंडा में चीनी की जगह एथेनॉल बनाएगी मैजापुर मिल, अक्टूबर से शुरू होगा उत्पादन। झांसी में करंट से दुकानदार की मौत पर लगाया जाम, नाले पर अवैध निर्माण के कारण दुकान में भर गया बारिश का पानी। उन्नाव में लंपी वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, बॉर्डर सीमाओं पर वाहनों की होगी चेकिंग, पशु बाजार किया गया बंद। ललितपुर में युवक को दौड़ाकर लाठियों से पीटा, निजी स्कूल प्रबंधक के बेटे ने साथियों के साथ मिलकर किया हमला। उन्नाव में गणेश महोत्सव में चले पत्थर, महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल, मारपीट करने वाले युवक फरार। चित्रकूट मंदाकिनी नदी में जुआरी का मिला शव, पुलिस से बचकर कूदा था मंदाकिनी नदी में, दूसरे दिन मिला शव। चंदौली में प्रतिमा विसर्जन के समय बवाल, दो पक्षों में चले ईंट पत्थर, 6 महिलाओं समेत कई लोग घायल।
मथुरा कते छाता में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 2010 में 51 किलो चांदी लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार, जेल से भागा था। हरदोई में लैला से मिलने पहुंची मजनू पर चले चप्पल जूते, लोगों ने गांव आने की पूछी वजह, फिर कर दी जूतों की बरसात। जौनपुर में डिप्टी सीएम के जाते ही भाजपा नेताओं में चले लात, घुसे हाथ मोड़ कर जमीन पर पटका, सीढ़ी उठाकर मारने दौड़े। बरेली में बर्थडे में डांस करते युवक को आया हार्ट अटैक, मौत, दोस्तों की फरमाइश पर पार्टी में कर रहा था डांस, अचानक गिर पड़ा। कानपुर में इलाज नहीं करने पर टोका तो पीटने लगे जूनियर डॉक्टर, हेलेट में फिर तीमारदारों को बंधक बनाकर पीटने का आरोप। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन, बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी थे, आगरा में अपने आवास पर ली आखिरी सांस। सहारनपुर डेथ कारपेट बने नेशनल और स्टेट हाईवे, 13 दिनों में हुए 3 भीषण हादसे, 16 लोगों की हुई मौत। युवक ने कार की बोनट पर बैठकर की फायरिंग, आगरा में मना रहा था जन्मदिन, एसएसपी ने दिया गिरफ्तारी के आदेश। गाजियाबाद में लुटेरा बोला माफ कर दो योगी जी, गैस गोदाम का कैश लूटने वाला एनकाउंटर में घायल, लड़खड़ाते हुए सीएम से मांगी माफी। बाराबंकी में बस हादसा, 4 यात्रियों की मौत, टायर पंचर होने पर हाईवे पर खड़ी करके ठीक कर रहा था, पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। अलीगढ़ जिलाधिकारी ने विकास भवन का किया औचक निरीक्षण, जिलाधिकारी ने फाइलें के रखरखाव की प्रक्रियाएं भी देखी। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, मृतकों के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गाजियाबाद में विशेष समुदाय से जुड़े लोगों के साथ कुछ युवक ने की मारपीट, मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल, एफआईआर दर्ज। अलीगढ़ में आर्थिक तंगी के चलते युवक ने गोली मार कर की आत्महत्या, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, जांच में जुटी पुलिस। गोंडा में इलाज के अभाव में बुजुर्ग की मौत, आपसी मतभेद को लेकर स्वास्थ्य कर्मी थे धरने पर। लखनऊ में सपा प्रवक्ता ने एनसीआर बनने की कवायद पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आईटी हब नहीं बना तो फिर काहे का एनसीआर। गोरखपुर में अवैध कब्जेदारों पर चला प्रशासन का हंटर, अतिक्रमण से नाराज दुकानदारों ने आमरण अनशन पर बैठे। शिक्षक दिवस के उपलक्ष में सीएमएस द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, बृजेश पाठक ने शिक्षक सम्मान समारोह का किया शुभारंभ। प्रयागराज में गणेश महोत्सव में दिखा हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुनी तहजीब दे रहा आपसी भाईचारा व शांति का पैगाम। रामपुर दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गांधी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। अवैध संपत्तियों से लेकर एलडीए ने बिल्डरों पर कसा शिकंजा, एलडीए ने जानकीपुरम में बने सृष्टि अपार्टमेंट बिल्डरों पर बलगाया जुर्माना।
वाराणसी में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने भोजपुरी में सभा को संबोधित किया। अलीगढ़ में तमंचे पे डिस्को करते हुए युवकों का वीडियो वायरल। युवक ने अपनी बर्थडे पार्टी पर हाथ में तमंचा लेकर खूब किया डिस्को। बुलंदशहर में अनियंत्रित ट्रक चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से हुए घायल। चंदौली में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की कार्यशैली पर उठाया सवाल। मार्ग पक्का नहीं कराने पर ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन। गोंडा सीएससी में नवजात की मौत का मामले में डिप्टी सीएम के निर्देश पर दोबारा शुरू हुई जांच। एएसपी की टीम कर रही मामले की जांच। चंदौली में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दो पक्ष आमने सामने जमकर चले ईंट पत्थर। कई लोग घायल। गोंडा सीएससी में जंगली जानवर का शिकार बना नवजात। डॉक्टरों की लापरवाही से हुई थी बड़ी घटना। डीएम ने कराई थी घटना की जांच। कानपुर देहात में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों के विरोध में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या। नमामि गंगे को लेकर जल शक्ति मंत्री ने की समीक्षा बैठक। जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों को जमीन पर उतरने के दिए निर्देश। गोंडा में संदिग्ध परिस्थितियों में शिक्षिका के पति ने लगाई फांसी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। कानपुर में मासूमों से साफ सफाई और झाड़ू पोछा करवा रहे एमबीबीएस डॉक्टर। बाल श्रम अधिनियम की खुलेआम उड़ा रहे धज्जियां। लखनऊ में युवक पर जानलेवा हमला। कुल्हड़ कट्टा गांव के पास खून से लथपथ पड़ा मिला युवक। लखीमपुर खीरी में वर्षों से टूटे पुल का पुनः निर्माण को लेकर छात्रों ने लगाया जाम। जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोशित हैं छात्र। श्रावस्ती में पूर्व सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। एक साल पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया वारंट। अमरोहा में दुकान के अंदर युवक पर झोंका फायर। काउंटर में लगी गोली। बाल बाल बचा युवक। बस्ती में छेड़खानी पर पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई। सिद्धार्थनगर में तीन लोगों ने ताबड़तोड़ बरसाए डंडे। 12 बार किया हमला। गाजियाबाद में पाकिस्तानी बताकर मुस्लिम युवकों को पीटा। नशे में धुत युवकों ने इमाम में से जय श्री राम के नारे लगवाए। यूपी में ड्रोन से होगा यूरिया का छिड़काव। अलीगढ़ में कृषि मंत्री प्रताप शाही बोले टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खेती को करेंगे आसान। भदोही में शराब माफिया की 2,57,00,000 की संपत्ति कुर्क। दुर्गागंज क्षेत्र में मकान दुकान दो कार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा प्रयागराज एयरपोर्ट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से की बातचीत। बरेली में कर्मचारियों पर जींस टी शर्ट पहनने पर रोक। फॉर्मल ड्रेस पहन कराएंगे कर्मचारी। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने जारी किया आदेश।
मस्जिद में विवाद के बाद किशोर की पीट पीट कर हत्या। पीलीभीत में नमाज के समय बैठने को लेकर हुई थी मारपीट। बस्ती में बुजुर्ग ने की आत्महत्या। शीशम के पेड़ पर गमछे से लटका मिला शव। परिजनों ने दूसरे दिन दी पुलिस को सूचना। मिर्जापुर के विंध्याचल में आधी रात को युवक को लगी गोली। पुरानी रंजिश में गोली मारने का आरोप। चार हिरासत में। बलिया के बासडी में बाइक और टेम्पू में भिड़ंत। हादसे में 5 बच्चों समेत 10 घायल। सीएससी में नहीं मिले डॉक्टर। जिला अस्पताल रेफर। जौनपुर में 2 मासूमों की हत्या कर मां ने की आत्महत्या। 10 महीने के जुड़वा बच्चों का दबाया गला। पति के गणेश पूजन में जाने से थी नाराज। प्रतापगढ़ में शतरंज प्रतियोगिता हुई आयोजित। 12 जनपदों के बच्चों ने लिया प्रतिभाग। विजेता को किया गया पुरस्कृत। हापुड़ में राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य को स्वागत। बोले शासन की योजना से दिव्यांग की मदद करना प्राथमिकता। संत कबीर नगर में विकास कार्य की हकीकत जानने पहुंची केंद्रीय टीम। योजनाओं की जांच कर आवास और शौचालय की जमीनी हकीकत जानी। बांदा में प्रेमी जोड़े ने ट्रक से कटकर जान दी। दोनों के बीच था अफेयर। घरवाले शादी के लिए राजी नहीं थे। एटा सड़क हादसे में छात्रा की मौत। ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर। बीएड का देने जा रही थी पेपर। खीरी में किसानों का दूसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी। बारिश में भी मांग पर अडिग रहे। बोले आवारा जानवरों से छुटकारा दिलाए प्रशासन। रामपुर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। गुपचुप शव को दफनाने की थी तैयारी। पुलिस ने शव लिया कब्जे में। बाराबंकी में महिला से गैंगरेप। अमेठी के रहने वाली है पीड़िता। घटना में 2 परिचित भी शामिल। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो